हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों काफी दिक्कत हो रही है मीशो पर कि ऑर्डर शिफ्ट हो जा रहा है और यहाँ पे कैंसिल नहीं हो पा रहा है शिफ्ट होने के बाद। फाइनली मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ और एक नहीं दो सोल्यूशन लेकर आया हूँ जो यहाँ पे 2022 का लेटेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि मीशो पे ऑर्डर बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है और कैंसिल का लोग ऑप्शन हटा देते हैं। मैं पूरा तरीका पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा, 3 से 4 मिनट की वीडियो है। यदि आप पूरा पूरा वॉच कर लेते हैं ना तो पूरा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे कि मीशो पर शिफ्ट ऑर्डर को हम कैसे कैंसिल करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मीशो ऐप को ओपन यहां से कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। हमको क्या करना है, अब यहाँ बीच में ऑर्डर्स का एक बटन दिखेगा, इस ऑर्डर्स वाले बटन पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। ऑर्डर्स वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, जो ऑर्डर आप किए रहेंगे यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मैंने ये ऑर्डर किया है तो मेरा दिखा रहा है, हम इस पे क्लिक कर देंगे। घबराइएगा मत दोस्तों, देखिए मेरा ऑर्डर शिफ्ट नहीं हुआ इसलिए मेरे में कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपका यदि शिफ्ट हो गया होगा तो कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, थोड़ा सा भी टेंशन मत करेगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्डर शिफ्ट होने के बाद कैंसिल का ऑप्शन क्यों हटा दिया जाता है, पहले ये जान लेते हैं। जैसे ऑर्डर शिफ्ट होने के बाद ऑर्डर वहां से चल देता है जहां इसका लोकेशन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे कैंसिल का ऑप्शन इसलिए हटा दिया जाता है कि सामान रास्ते में होता है और यदि यहाँ पे आप कैंसिल कर दें तो रास्ते में से सामान जाएगा कहाँ, तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। लेकिन इसका भी सलूशन है। सलूशन क्या है आइए बताते हैं। ऊपर आप देख पा रहे होंगे हेल्प सेंटर का ऑप्शन दिखता है, यदि आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। लेकिन यहीं पे आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेल्प सेंटर पे हम जाए और कैन आई कैंसिल माई ऑर्डर, किस तरह से ऑप्शन वगैरह बहुत सारे दिखेगा। और यहाँ पे देखिए कॉल मी बैक का ऑप्शन है, यदि आप इस पे क्लिक करोगे तो उधर से कस्टमर केयर कॉल करेगा आपको, ठीक है, और आप उनसे बात करेंगे और बोलेगा सर मुझे ऑर्डर पसंद नहीं, प्लीज मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। तो वह क्या करेंगे, जैसे अगला एक्सचेंज उनका सामान आ रहा है तो हर जगह ऑफिस होता है, तो अगले ऑफिस पे आएगा, एक्सचेंज पे आएगा, तो वहां से वह ऑर्डर को बैक वापस भेज देंगे तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। पहला तरीका यह है आपका। यदि यहाँ कॉल का ऑप्शन नहीं आता है तो कस्टमर केयर का नंबर मीशो का आपको बता दें, यहाँ पे यहाँ देख लीजिएगा, इसी की मदद से आप कॉल कर सकते हैं। हेल्प सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए मीशो का कस्टमर केयर का नंबर है, ठीक है ना, इस पर आप बात कर सकते हो। आइए दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कैंसिल करने का, ठीक है, और घबराइएगा मत। जैसे जैसे ऑर्डर कैंसिल होगा आपका पेमेंट विद इन 24 आवर्स रिफंड आपके उसी खाते में भेज दिया जाएगा जिस खाते से आपने पेमेंट किया था। और यदि आपने पैसा नहीं पे किया था, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था, तो कोई बात ही नहीं है। तो आए दूसरा तरीका बताता हूँ, यदि आप वहां से ऑर्डर आपका कैंसिल नहीं होता है तो आपको क्या करना है, जैसे डिलीवरी बॉय आता है आपके चौराहे पे, आपको कॉल करता है कि आपका सामान आ चुका है, तो आपको उनसे क्या कहना है, कहना है सर ऐसा है मैं अभी घर से बाहर कुछ दिन के लिए निकल गया हूँ 1 महीने के लिए और मेरा ऑर्डर प्लीज कैंसिल कर दीजिए, मैं आऊंगा तो फिर ऑर्डर कर लूंगा, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करिएगा आप। वह ऑर्डर को कर देंगे कैंसिल, उनके पास ऑप्शन एलिजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे वो कैंसिल कर देंगे आप एक फ्रेश ऑर्डर नया ऑर्डर जो करना चाहें कर सकते हैं और रिफंड की प्रक्रिया वही है कि यदि आपने पेमेंट किया है तो इन 24 आवर्स आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। और यदि आपने पेमेंट नहीं किया था तो कैश ऑन डिलीवरी था तो कोई बात ही नहीं है, आपका मतलब रिफंड का सवाल ही नहीं बनता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको शिफ्ट ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। और आपका पैसा यदि रिफंड नहीं मिलता है तो आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे 2 ऑप्शन होता है रिफंड के लिए, या तो आपके खाते में आ जाएगा या तो अकाउंट के ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ पे माई बैंक डिटेल का एक ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करके अपना बैंक का डिटेल ऐड कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, आपका जो पैसा रहेगा ना वो आपके खाते में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इसी खाते में जो ऐड किए रहेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।